रायबरेली के बछरावा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही से कई एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसान अनुज कुमार द्विवेदी का दावा है कि वर्षों से विभाग के अधिकारियों से बार बार की गई शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। बछरावा थाना क्षेत्र के मुबारकपुर सांपो गांव में आग लगने से एक दर्जन से अधिक किसानों की फसल बर्बाद हो गई। झांसी में अग्निशमन विभाग ने आग से बचाव की तकनीकों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। निवासियों को सिलेंडर और बिजली के तारों में लगी आग बुझाने के बारे में शिक्षित किया गया। अधिकारियों ने कार्यक्रम की निगरानी की और नागरिकों से सतर्क रहने का आग्रह किया। आगामी लोकसभा चुनाव में पूर्ण भागीदारी का संकल्प भी लिया गया। रायबरेली में ग्रामीणों ने अपने इलाके में 30 साल से सड़क निर्माण न होने पर गुस्सा जाहिर किया। वे विरोध स्वरूप लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा कर रहे हैं, हाथों में बैनर लिए हुए हैं और सड़क नहीं तो वोट नहीं की मांग के नारे लगा रहे हैं। जिला प्रशासन और नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। सदर तहसील के आमवा ब्लॉक का मैनूपुर गांव विवाद के केंद्र में है। रायबरेली में ग्रामीणों ने सब इंस्पेक्टर बृजेंद्र कुमार सिंह पर दबंगों की मदद से पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है, जिससे हंगामा मच गया है। सिंह के एक वायरल ऑडियो से विवाद खड़ा हो गया है। पीड़ित किसान और उसके परिवार ने कथित तौर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सिंह का सामना किया और उन पर अवैध रूप से भूमि अधिग्रहण करते समय अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और हिंसा की धमकी देने का आरोप लगाया। किसान ने सिंह के खिलाफ स्थानीय अदालत में मामला दायर कर न्याय की मांग की है। राजस्व मामलों में पुलिस हस्तक्षेप के खिलाफ पुलिस महानिदेशक के सख्त आदेश के बावजूद सिंह की हरकतें जारी है, जिससे पीड़ित राजेश शुक्ला को न्याय मिलने पर सवाल उठ रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? राजेश शुक्ला। कहाँ पे आए, क्या दिक्कतें हैं आप? भैया दिक्कत हमको उमरी से आए। क्या दिक्कत है? हमको दिक्कत यह है कि भैया हमारी पैतृक भूमि है, हम अपनी फसल बोए थे, हम काट रहे थे, वहाँ गए बाद जबरदस्ती बृजेंद्र सिंह ने पकड़ के ले आए, सूची जोगी थाने ले गए, वहाँ हमको मारा। बहुत हमारी माता जी को गाली दिया, बोले पकड़ के थाने ले गए, पकड़ के ले गए, बोले कि जमीन दूसरे के नाम है, हमारे विपक्षी लोग का मदद कर रहे हैं, जो कि हमारी जमीन अपने उसने अपने नाम करा लिया गलत तरीके से। कहीं शिकायत की आपने? शिकायत हमने किया कहीं भी, हर जगह शिकायत किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। बृजेंद्र सिंह कौन है, कहाँ क्या? बृजेंद्र सिंह सूची चौकी थाना इंचार्ज हैं, इन्होंने ले आए जबरदस्ती हमको मारे थे, बोले दोबारा उस जमीन पे नहीं जाओगे। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा स्थित मान वैष्णव कोचिंग सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उत्साहपूर्ण भागीदारी के बावजूद चार व्यक्ति स्वास्थ्य कारणों से दान नहीं कर सके। डॉक्टर जयप्रकाश सिंह ने रक्तदान से होने वाले स्वास्थ्य लाभ पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम आयोजक लक्ष्मण कुमार गुप्ता ने दानदाताओं को सम्मानित किया और उनके सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद दिया। आज डीआईजी झांसी काल निधि नैथानी द्वारा जनपद झांसी के प्रस्तावित वार्षिक निरीक्षण के दौरान समस्त शाखाओं में साफ सफाई एवं दस्तावेज रख रखाव हेतु भ्रमण किया गया। महिला हेल्प डेस्क, पत्रचार शाखा, रीडर कार्यालय, शिकायत कक्षा, आईआरएस सेल, पासपोर्ट सेल, डीसीआरबी, चुनाव कार्यालय, अपराध शाखा, निगरानी सेल और सांख्यिकी शाखा सहित विभिन्न शाखाओं में निरीक्षण किया गया। कमियों को दूर करने तथा प्राप्त सार्वजनिक पासपोर्ट सत्यापन एवं अन्य आवेदनों का समय पर सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जीआरएस के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण के भी निर्देश दिए गए।